एक भाई ये कार साफ कर रहे हैं मेरे, कहाँ के हैं देखते हैं। सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर के? मैं इंडिया का। इंडिया किधर? यूपी। अरे यूपी के तो मैं भी हूँ यार। तो क्या गाड़ी साफ कर रहे हो? हॉस्पिटल ही में साल भी हो गए, फ्री यू लग रहा है, टाइम नहीं कट रहा होगा। ये देखो भाई, आज गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं। क्या मैं तुमसे दो चार पाँच मिनट बात कर सकता हूँ भाई? दो चार पाँच मिनट बात कर सकते हैं? चलो बैठो, उधर बैठ जाओ गाड़ी में, हवा बहुत है बाहर। हाँ, उधर बैठ के बात करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, गाड़ी में बैठो। क्या दिक्कत है तुम्हें? बाहर क्या ऐसा डालने के हिसाब करता? आओ तो तुम्हें दूसरी गाड़ी में बैठा लेते हैं। लेके जाएंगे कार में, और कार में बैठ के भाई की लाइफ के बारे में जानेंगे, और भाई अच्छी सी कोई बात करेंगे और अच्छी बात पूछेंगे कि कैसी लाइफ चल रही है। तो भाइयों, इस समय हम कार के अंदर आ गए हैं, और भाई अपने यूपी के हैं और हाउस ड्राइवरी का काम करते हैं। और सामने देखिए, ये हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल में हम आए थे थोड़ा काम से, और ये भाई भी हमको यहीं पे मिल गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। किधर के हो यार? मैं यूपी का। अरे यूपी, पहले इंडिया बोला करो यार, तुम भी केरला वाला हो गया है। नहीं, इंडिया यूपी। हाँ, इंडिया यूपी के भाई हैं। यूपी कहाँ से? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से। तो भाई ये बताइए, आपका नाम क्या है? शाहिद। शाहिद भाई, तो भाई इतनी दूर, ये जो हॉस्पिटल है तो दोहा से बहुत दूर है, तो आप दोहा से आ रहे हैं? पास से आ रहे हैं? नहीं, 55 किलोमीटर है। 55 से नहीं है? नहीं नहीं, बनी हाजर से आ रहे हैं। अच्छा, ये भी भाई दोहा ही से आ रहे हैं। उधर एक बनी हाजिर मतलब पड़ता है पास में ही दोहा के। तो भाई बताओ, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 7 साल हो गया। 7 साल हो गया कतर में? तो इससे पहले कहीं और थे कि डायरेक्ट यहीं आए? फर्स्ट कतर में। फर्स्ट कतर में ही आए हो? अच्छा भाई, हमने देखा आप गाड़ी साफ कर रहे हैं, तो हमने कहा आपसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे भाई लोग आने के लिए कहते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, एक्सपीरियंस वीडियो, जैसे आपको एक्सपीरियंस है जी। और लोगों को पता भी चलता है कि यहाँ पे मेहनत कैसे लोग करते हैं। अच्छा, तो भाई ये बताओ, 7 साल पहले आपका आना कैसे हुआ? इससे पहले यानी तो मैं इधर आया था घूमने के चक्कर में। मतलब कैसे? इससे पहले मेरा भाई इस घर में काम करता था। अच्छा, इस घर में हाउस ड्राइवर? हाउस ड्राइवर। अच्छा, मैं यानी इंडिया पे अपने पर्सनल खुद गाड़ी थी, मैं यानी ईस्ट वेस्ट गाड़ी चलाता था। अच्छा अच्छा, तो मेरे को भी, मेरे जितने भी दोस्त थे सब बाहर कंट्री में, सब एंट्री ले लिए, तो यानी मैं अकेला हो गया उधर जी। तो मेरा भी दिल बोला, मैं अपने भाई को बोला कि भाई मेरे को भी एक बार जाने का बाहर जी। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई ने, मेरी मैडम, यानी अपनी मैडम से बात किया, तो बोलती मुश्किल नहीं, मैं 3 महीने का वीजा उसको लगा दे रही हूँ। अच्छा, वो आएगा, उसको जमेगा तो ठीक है, नहीं तो चला जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो मैं इधर आया तो इंडिया की कमाई के यहाँ की कमाई से देखा मुझे फर्क लगा। अच्छा, कि वहाँ से जो मैं कमा रहा था यहाँ के कमाने में थोड़ा फर्क लगा। फर्क नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, अपने को समझ से फर्क है। अच्छा, क्योंकि आप जितना यहाँ मेहनत करते हैं, अगर उतना इंडिया में मेहनत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी कमा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया में आप उतना नहीं कर पाते, खर्चे बहुत रहते। अच्छा, इंडिया में जो कौन सी गाड़ी आपकी अपनी थी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो चलाते थे? तो कितना डेली महीने में बचा लेते थे उससे खा पी के? कोई ऐसा कभी हिसाब नहीं किया, लेकिन लमसम 30-35 बच जाता था वहाँ पे। तो जब यहाँ पे खा पी के एंजॉय करके बता। अच्छा, जो जब यहाँ पे आप आए हो तो यहाँ पे मतलब 3 महीने के लिए आए, तो फिर लाइसेंस कैसे निकाल लिया यहाँ का? यहाँ पे आने के बाद 1.5 महीने के बाद मेरा भाई सफर जा रहा था, यानी इंडिया जा रहा था। अच्छा, तो मैं अकेला पड़ गया था, मुझको अरबी उतना नॉलेज था भी नहीं जी, थोड़ा बहुत इंग्लिश मालूम था अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मैडम, जिस दिन मेरा भाई जा रहा था उस दिन मैडम बुलाई, साथ में हम लोग खड़ा की, तो मेरे भाई से पूछे, इसको पूछ ले इसको अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि तू भी चला जाएगा तो इसको अरबी मालूम नहीं है जी, तो उसको समझाने में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा भाई मुझसे पूछा, बोला नहीं मैं रहूँगा। अच्छा, रुकेंगे? हाँ, क्योंकि मेरे मैडम को जो लड़के लोग हैं जी, वो अपने जैसे यंग लड़के थे, उनमें से थोड़ा बोलचाल अच्छा हो गया, तो पता बात करने अच्छा को समझाते भी इशारे में सब कुछ अच्छा ऐसा लगा, अच्छा नहीं लगने, बाहर की तरह लगने लगा, और एक अच्छे लोग मिल गए, तो इसलिए तुम्हारा मन लग गया कि भी रुक जाएंगे, हम जाएंगे नहीं है। तो उन लोग के साथ यानी ऐसे कुछ 2-3 महीना वक्त बिताया, तो मेरा भाई जब 2 महीने के बाद आया तो मैंने बोल दिया कि मैं यही रहेंगे, यही रहेंगे। अच्छा, जब भाई नहीं था तो आप क्या घर ही पे रहते थे, खाली बदे थे? हाँ, ऐसी अब मैं साफ सफाई, नहीं नहीं कुछ ऐसा कुछ काम नहीं था, खाली 3-4 खजूर का पेड़ ऐसा लंबा लंबा बड़ा था, तो वो उन लोग भी सफर चले गए थे, लंदन। अच्छा, चले गए थे, तो
तो उन लोग खाली यही बता दिए थे कि तू सुबह शाम जब भी वक्त को मिले तो पानी डाल दिया। अच्छा पानी डाल दिया करो, फिर कभी कभी अपनी मर्जी है साफ सफाई कर देना। नहीं वो पानी कभी डालते होगे ना, खाली गंदा होता होगा। खाली पानी डालता था पेड़ में बस, उसके अलावा बाकी कोई काम नहीं। हर बाजू में तो बहुत से ऐसे करते, लेकिन जो पर्सनली मेरे को जो मिला था शुरू से स्टार्टिंग में, मेरे को सिर्फ 3 खजूर का पेड़ था उसी में पानी। यानी घर देखो जब वो लोग भी नहीं, तुम्हारा भाई भी नहीं, वैसे ही रहो ऐसे ही रहो। खाने पीने की जो भी जरूरत पड़ेगी तो पैसे, मोबाइल यानी मोबाइल तो था ही मेरे पास, तो एक अपने बड़े लड़के का नंबर दे दिया कि इसको फोन कर देना, नहीं तेरे को समझ में उसका फोटो खींच के भेज दिया अगर कि मेरे को ये सामान चाहिए वो ला के दे देगा। हाँ। बहुत अच्छा करता है यार तुम्हारा। तो यानी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करते करते फिर अपने उसके बड़े लड़के के साथ मैंने वक्त बिताना चालू किया। यानी कोई था नहीं मजलिस में, हाँ उसके साथ बैठता था, उन लोग टाइम पास के लिए पत्ता खेलते थे। हाँ, बढ़िया चाय का वो चल रहा है, तुम बैठे रहते थे। मैं को भी ऐसे कैमरी दे दिए, लाइसेंस कुछ था नहीं, कैमरी थी हाँ, कैमरी तुमको दे दिया। हाँ, दे मतलब आने जाने कुछ छोटा मोटा काम पड़ता होगा भेज देते होंगे, जाओ घूमो बोलता। पहले एक बार मुझसे 3 किलोमीटर चलवाया गाड़ी। अच्छा, तो मैं क्या ना इंडिया में चला तो अपने लेफ्ट राइट का डिफरेंट, तो बाद में धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में कुछ चलाने लगे। हाँ। क्योंकि ड्राइवर थे भाई वहाँ के, ड्राइवर बोल दिया मेरे को कि काम कर साइन, तो एक्सीडेंट मत करना। हाँ। बाकी कुछ भी कर दे मैं संभाल लूंगा, यानी किसी को आदमी को मत ठोकना। हाँ, यानी गाड़ी को ठोक दे, आराम से चलाओ। हाँ। कोई ऐसी मतलब जैसे भी चलाना। हाँ। देख सुन के चलाओ, तुम्हारा अपने हिसाब से सीख जाओ। अच्छा फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने में वो हो गया। फिर उसको बोलता हूँ मैं, बोला उसको कि देख अभी हर जगह लाइसेंस मुश्किल हो रहा है, उड़ता उड़ता खड़ा रहता है मुश्किल हो गया। तो मेरे को बोल पैसा दे दिया 3,500 रियाल, जाए एडमिशन करा ले। अल्हम्दुलिल्लाह अपने खुद अकेले गए, किसी के सपोर्ट नहीं किए, क्योंकि अब अकेले घूमते घूमते नॉलेज आ जाता है ना, क्योंकि साथ में कोई अगर सिखाए तो वक्त लगता है, और अकेले भटकता है ना, जब बोलता है इंसान ना ठोकर लगती तो समझ में आता ना, तो ही साल अपना वीजा अकेले के लिए जो गलत सही। हाँ, फिर बताओ तो जल्दी, बहुत लंबी वीडियो। हाँ, तो 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह एडमिशन करा मैंने, और एक ही 33 दिन में ही मैंने कम्प्लीट कर लिया, फर्स्ट हर चीज में फर्स्ट में ही पास हो गया। ये बताओ कि तुम्हारे भाई जब छुट्टी पे तभी तुमने लाइसेंस निकाला कि उनके आने के बाद? उनके आने के 2 दिन बाद ही मैं निकाला। फिर जब भाई आया तुमने लाइसेंस निकाल लिया, फिर उसके बाद तुम्हारा मूड हो गया रुकने का? जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे कदम रखा और जिस दिन मैं उसके घर रूम में आया उसी दिन मेरे हाथ में 500 रियाल दिया। अच्छा, और उसने ये बोला कि मैं कोई काम से तेरे को नहीं बुलाया, जो मेरे बुड्ढा था कफिल, उसने बोला मेरे को कोई जरूरत नहीं है तेरी, तेरा भाई मेरा सब कुछ कर देता था, मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके वजह से मैंने बुलाया। तो उसने मुझे 500 दिया, बोलता सैलरी मैं 800-900 ऐसे देगा, अपने मन से देगा, फिक्स नहीं कोई। तो मैं भी कोई केयर नहीं, भी ऐसे ही देगी, घूमेंगे अगर मूड होगा तो रुकेंगे, नहीं 3 महीना 800 मिलेगा, एंजॉय करेंगे। ये बताओ वहाँ गाड़ी चलाने में, यहाँ गाड़ी चलाने में डिफरेंस क्या लगा? वहाँ गाड़ी चलाना इजी है कि यहाँ चलाना इजी, और डिफरेंस क्या है दोनों? इजी यहाँ चलाना और सेफ कहाँ पे? सेफ भी यहाँ पे, इजी भी यहाँ पे, क्योंकि देखिए इंडिया में एक ही रोड पे हर तरीके का कोई कानून फॉलो नहीं करता। जी हाँ, इंडिया में कोई कानून फॉलो नहीं करता, इंडिया में कैमरा सैमरे का सिग्नल फिंगर का कोई अगर यानी हवलदार सुरता है वहाँ पे खड़ा है तो भाई चना स्मार देगा यानी कर देता, लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम नहीं है ना, कैमरा हर जगह रखा है, तुम कैमरा सिग्नल तोड़ के जाओगे जाओगे तुमको कोई रोकेगा नहीं, वो जिसके नाम पे गाड़ी है उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा। उसके पास क्या है, फोटो भी पिक्चर भी तुम्हारा पहुंच जाएगा। अच्छा। कैसे किस स्पीड में आप गए हो, कितने आदमी गाड़ी में बैठे हैं, क्या रोड है, क्या है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है। अच्छा। इसलिए आदमी यहाँ पे खौफ से भी डर। अच्छा। से भी चलाता है सिस्टम से। यहाँ पे फर्क यही है कि रूल है, रूल यहाँ फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे रूल फॉलो करते हैं, अपने इंडिया में रूल फॉलो नहीं करते, बस यही फर्क है। ये बताओ तुमने अभी 7 साल हो गए, तो कई बार इंडिया गए आप? 7 बार। 7 बार वीजा तो तुम्हें फ्री मिला होगा, कोई फायदा नहीं है, टिकट भी भाई ने दिया होगा। भाई तो टिकट तो मेरा भाई अपने पैसे से दिया था। अच्छा ये बताओ कि अभी 7 साल में यहाँ पे तुमने अब कितनी सैलरी आपकी है इस समय प्रेजेंट टाइम पे? भाई मेरी 2,000 रुपया प्लस खाना, 2,000 रियाल प्लस खाना, खर्चे पानी पैसे निकल आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। टिकट कब मिलता है आपको? टिकट मेरा मदरसा जिस दिन बंद होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज तो 19 तारीख है, आज 19 को बंद हो गया मदरसा, तो 21, 20, 22 एक दो दिन के बाद आप चले जाते हैं, तो टिकट आने आने का हर साल दे देते हैं। हाँ, वो सब देता है। तो कतर के बारे में कोई एक अच्छी बात बोलो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, यहाँ के लोग, यहाँ की बात कोई ऐसी? भाई देखो मैं तो फर्स्ट टाइम कतर में जब से आया हूँ जब से हूँ, मेरे को यहाँ के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगा, क्योंकि बहुत से जैसे ड्राइवर मेरे को सऊदी उदी के मिलते हैं, बोलते यार ऐसे करते वैसे करते, लेकिन मैंने 7 साल में मैं ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं
बता नहीं सकता कि मेरे साथ गलत हुआ। मेरे को जितने से मुलाकात है, जिन लोग से मैं किया काम साथ मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे ऐसा तकलीफ नहीं हुई है, ना मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इन लोग गलत। हाँ, 100 में से 5% भाई गलत मेरे को हर जगह मिलेंगे, लेकिन अब मैं फर्स्ट इस कंट्री में काम किया, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, बस यही बात है हर चीज में। हाँ, यहाँ पे कभी कोई दिक्कत तो हुई नहीं, क्योंकि कुछ नहीं। बस हमारा भी यही कहना है, आप भी आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ गाड़ी चलाइए, और आपके कफील लोग इतना मानते हैं, आप भी वैसे ईमानदारी से चलिए, तभी इज्जत बनी रहती है। हमने आपकी लगन देखी, अभी आप बता रहे हो गाड़ी साफ नहीं, क्या खड़े हुए तो आप गाड़ी भी साफ कर रहे थे, उसमें क्या अपनी गाड़ी की तरह है भाई, अपने को खुद ही करना है। तो आज करूं तो भी मेरे को ये रहता है कि खड़े हैं तो लाओ थोड़ा मार दे कपड़ा, आज करूं तो भी मेरे को करना, 10 दिन बाद करूं तो भी मुझे करना। नए लोग जो आने वाले हैं या जो पुराने लोग आना चाहते हैं कतर रिटर्न आदमी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो आप मेरे यूजर को देख के? नए लोग को मैं यही बोलूंगा कि भाई जो भी वीजा कोई दे रहा है या आने का, अपना सोच विचार के उसके आगे पीछे की जानकारी लेना, क्योंकि धोखाधड़ी भी बहुत होती है। आपको नया वीजा बोल के 1200-1500 बोल के यहाँ पे, मैं कितने लोग को, मेरे बाजू में 2-3 लोग आए हैं, उन लोगों को 1200 बोल के यहाँ पे 800 में काम दिलाते हैं। अच्छा। कफिल से इस्तेफाक होता है, कफिल बोलता है इधर कि मैं तो पहले ही जिसको वीजा दिया था मैं उसको 800 बोला था, लेकिन आपको सामने वाला जो लेता देता आपको भेजता है वो 1200 बताता है। आप भी सोचते हैं इंडिया में मैं फोकट बैठा हूँ 1200 से, लेकिन भाई कोई भी चीज़ करना सोच विचार के आगे पीछे देख के, क्योंकि धांधलीगिरी बहुत होती है यहाँ पे भी, हर कंट्री में ऐसे ही है। और ये करता मालूम कौन है, जो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे लोग हैं वो सही बात, पैसे कमाने के लिए सही बताते, नहीं तो कफील सीधे बता देता हम 800 जल्दी देंगे, ये देंगे 10,000-1,000 देंगे, तब भी वो बता देते भाई। अरबी लोग सीधा बता देते, घर काम भी बता देते। हाउस ड्राइवर में मेरा जहाँ तक तजुर्बा बताता है कि 95% फ्री में सब मिलता है जी, वीजा टिकट उन लोग खुद देते हैं। अच्छा, क्योंकि उन लोग खुद बोलते हैं हदा नफल मिस्किन, यानी वो मिस्किन आदमी है तो कहाँ से करेगा, मिस्किन नहीं होता तो आता कि उनको जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारे जैसे तुम्हारे जैसा ड्राइवर है वो तुमको बोलेगा भाई इतनी सैलरी है, मैं 20 लूंगा 50 लूंगा, जैसे जैसे जैसा आदमी मुर्गा फंस जावे, लेकिन भाई सोच समझ के जो भी करना, सोच बचे आगे पीछे देख के, धांधली बहुत होती है। अच्छा, मैं 2-3 जन को देखा हूँ भाई रूम के बाजू में, ऐसे रोते हैं उन लोग, 1,80,000 रुपए यहाँ बोल के आते, 1500 रिटर्न आया है, सऊदी रिटर्न है, उसको बोले 1500 सैलरी, आज उसे 1100 रुपया सैलरी दे रहे। लेकिन अरबी जो सैलरी कम देते वो घर भी सही नहीं होते, और वो पहले बता देते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे वो पहले जिसको देते कहते भाई इतना देंगे। हाँ। और बाकी हाउस ड्राइवर में काम क्या क्या होता है ईमानदारी से बता दो। हाउस ड्राइवर में ऑल टोटल सब काम होती है, कोई टाइम नहीं है उसका जी, रात बिरा सुबह शाम 4 बजे उठो 6 बजे, कोई टाइम ही नहीं है हाउस ड्राइवर में। अच्छा, घर दो यहाँ तक का नहीं है आदमी, है बाथरूम भी धुलाएंगे तुमसे, गाड़ी भी धुलाएंगे, किचन भी, यानी जैसा घर मिल जाए भाई, क्योंकि किसी में अच्छी रहती तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करना पड़ता, किसी को तो बहुत कुछ करना पड़ता। अच्छा, लेकिन बहुत कम घर ऐसे हैं जो इतना काम कराते, नहीं तो ये होता है पानी डलवा देते हैं, धुलाई करवाते हैं, तो नॉर्मली है भाई। हाँ, ये तो नॉर्मल, कोई झूठ नहीं बोल रही। घर धोने का भाई देखो, घर हफ्ते में गंदा है पानी डाल दिया, बाहर पेड़ लगे अगर ऑटोमेटिक नहीं लगा तो पानी डालना, ये काम है बस, और अपनी गाड़ी साफ करो गाड़ी चलाओ, ये नॉर्मल काम है, ये फिक्स है। बाकी बहुत से जो ऐसे घर होते हैं जहाँ पे कहेंगे जाओ ये कर दो वो कर दो, और वो भी अगर पैसे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काम ही करने आदमी आया है, क्या ख्याल है भाई? तो भाइयों ये अपने इंडिया के यूपी के भाई थे, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी भाई, थैंक यू सो मच, आपने इन्फॉर्मेशन दी, और अपना बहुत ख्याल रखिए, कतर को साफ सुथरा रखिए, ईमानदारी से काम करिए, इंशाल्लाह ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ओके बाय।